Hi everyone, this is Prerna Khandwal and this is the second lecture of syllogism. इसमें हम एक न्यू मेथड करने वाले हैं which is known as 150 rule. और ये 150 rule आपको बहुत easily solve करा देगा questions सारे because ये वो भी आपको solve करा देगा questions. So चलो देखते हैं कैसे करते हैं. और इसमें ना थोड़ा सा memorize करने वाली चीजें जो आपको ध्यान रखनी है आप question solve करते time. Alright? So पहली चीज तो है direct approach. Direct approach क्या होती है, मैं आपको statement लिख के बताती हूँ. सपोज एक स्टेटमेंट गिवन है ऑल ए आर बी, ये एक स्टेटमेंट है और जो कंक्लूजन है वो ए और बी के ऊपर ही बेस्ड है. सारे इनके ऊपर ही बेस्ड करके सारे कंक्लूजन जितने भी लिखे हैं वो इनके ऊपर बेस्ड है. तो इनको कहते हैं डायरेक्ट, मतलब स्टेटमेंट गिवन है और सारे कंक्लूजन उन पे ही बेस्ड है. ठीक है, तो इसमें क्या याद रखने वाली चीजें होती है. पहली चीज तो चार कीवर्ड्स है इसमें. क्या क्या है? एक है सम, एक होता है सम नॉट, एक होता है ऑल एंड लास्ट वन इज नन और नो. ठीक है, तो सम और ऑल को कहते हैं हम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स और सम नॉट एंड नो को कहते हैं हम नेगेटिव स्टेटमेंट्स. ठीक है, ये चीज याद कर ली आपने, ये चीज थी फर्स्ट. सेकेंड थिंग इज क्या आपको याद रखना है कि पॉजिटिव कंक्लूजन का, सॉरी पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन इज ऑलवेज पॉजिटिव. ओके, एंड नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन इज ऑलवेज नेगेटिव. बस ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है. ओके, और इसमें स्टेप सेलेक्ट कैसे सॉल्व करें. सपोज आपके सामने क्वेश्चन आ गया तो हाउ टू सॉल्व इट. स्टेप वन देखना है साइन, साइन देखना है आपने कि साइन उस स्टेटमेंट जैसे ये ऑल ए आर बी, इसका साइन क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है, राइट? तो अगर आपको कंक्लूजन में कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट दिखे तो पहले उसको क्रॉस कर दो बिकॉज वो तो कभी हो ही नहीं सकता इसका आंसर. ठीक है, और सेकेंड स्टेप होता है 150 रूल से. अब 150 रूल क्या होता है, सी आई टेल यू. अगर दो बंदे हैं ए एंड बी, ए के पास है 100 रुपीज, बी के पास है 50 रुपीज, तो अब आप मुझे बताइए अगर 100 के, ए के पास 100 रुपीज है तो क्या वो 50 रुपीज स्पेंड कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता, जरूर कर सकता है. तो वो 50 रुपीज इजिली स्पेंड कर सकता है. तो क्या वो 100 रुपीज स्पेंड कर सकता है? यस, अगेन इट्स ट्रू, वो 100 भी स्पेंड कर सकता है बिकॉज उसके पास 100 की अवेलेबिलिटी है. ऑलराइट, बट बी का देखा जाए तो बी के पास है 50 रुपीज. तो अगर उसको कोई बोले कि 50 रुपीज उसको स्पेंड करने हैं तो यस, 50 रुपीज उसके लिए स्पेंड करना पॉसिबल है. बट क्या बी के लिए 100 रुपीज स्पेंड करना पॉसिबल है? आई डोंट थिंक सो. नो, बिकॉज उस पर अवेलेबिलिटी है ही नहीं. सो ये पॉसिबल नहीं है. तो ये ही है 150 रूल जो बोल का है. ठीक है, अब हम कैसे देखेंगे उस चीज को. हमने यहाँ पे ये चीजें पढ़ी थी, है ना. यहाँ पे मैं वापस इसको मेंशन कर देती हूँ, सम ए आर बी, ऐसे ही है सम नॉट, मतलब सम ए आर नॉट बी. सिमिलरली ऑल ए आर बी और लास्ट है नन ए आर बी. ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए क्या करना है आपने, सम आर इसकी वैल्यू होती है 50-50. ये चीज भी नोट डाउन कर लीजिए. ये फर्स्ट पॉइंट था, ये चार कीवर्ड्स हैं और पॉजिटिव नेगेटिव किसे बोलते हैं. ये सेकंड था कि पॉजिटिव का हमेशा पॉजिटिव आता है, नेगेटिव का हमेशा नेगेटिव आता है. और ये थर्ड चीज है, इनकी वैल्यूज आपको याद रखनी है. सम के लिए 50-50 होती है दोनों की, सम नॉट के लिए होती है 50-100. ओके, एंड ऑल के लिए होती है 100-50 एंड नन के लिए होती है 100-100. ये तीन पॉइंट्स आपको जरूर ध्यान में रखना है टू सॉल्व सिलोजिज्म विद द हेल्प ऑफ 150 रूल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जैसे हम क्वेश्चन देखेंगे आपको और क्लियरली होगा. तो चलो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नाउ. सो ये डायरेक्ट अप्रोच का हमारा पहला क्वेश्चन है. इसको हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं. सबसे पहले तो ये देखिए, साइन देखना है सबसे पहले. क्या टर्म है ये? नेगेटिव है. तो
अगर कोई भी पॉजिटिव दिख रहा है आपको इन चारों कंक्लूजन में से, तो उसको पहले ही क्रॉस कर दीजिए। सम आर, ये पॉजिटिव होती है तो ये तो गलत ही होना है। यहाँ सम नॉट है, यहाँ सम नॉट है, यहाँ नन है, मतलब इन तीनों में से हो सकता है कोई करेक्ट हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ना वैल्यूज लिख लेते हैं, बिकॉज अभी तक मे भी आपको ना मेमोराइज हुआ हो। तो सम के लिए था 50 50, सम नॉट के लिए था 50 100, ऑल के लिए है 100 50, एंड फॉर नन इट इज 100 and 100। ठीक है, तो यहाँ पे नन के लिए क्या क्या है, 100 100। ठीक है, अब यहाँ पे 100 है ना, तो मतलब वो 50 हो 100 हो कितना भी वो स्पेंड कर सकता है। तो क्या हमने पढ़ा है 100 से ऊपर की और कोई टर्म है? नहीं है ना, तो मतलब ये तीनों करेक्ट होने चाहिए। ये वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। सम ए, सम नॉट का क्या आंसर होता है? सम नॉट का 50 100 50 100। ठीक है, सम नॉट अगेन, सम नॉट 50 100 50 100, और नन का होता है 100 100। तो अब देखिए क्वेश्चन में ए के पास कितनी वैल्यू है, 100 वैल्यू है। तो सेकंड वाले में देखिए, सेकंड में ए के पास है 50, तो ये इसके लिए पॉसिबल होगा स्पेंड करना। बी के पास है 100, बी के पास है 100, तो ये भी पॉसिबल होगा। तो मतलब सेकंड कंक्लूजन इज करेक्ट। थर्ड इज, बी के पास है 50, यहाँ पे 100 था, तो ये मतलब पॉसिबल है। और ए के पास है 100 100, तो ये भी पॉसिबल है। तो थर्ड भी करेक्ट होगा। एंड फोर्थ मतलब 100 100 है, यहाँ भी 100 100 है, तो दैट मीन्स ये दोनों करेक्ट है। तो ये, तो इसका आंसर क्या है, सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों करेक्ट है। ठीक है, समझ आ गया आपको कैसे करना है। सबसे पहले साइन देखना है, साइन अगर नेगेटिव है तो कोई भी अगर पॉजिटिव कंक्लूजन दिख रहा है तो उसको पहले रॉन्ग कर दो, बिकॉज वो करेक्ट हो ही नहीं सकता कभी। सेकेंड स्टेप है हमारा इनकी वैल्यूज देखना, एक्सपेंस देखना। स्टेटमेंट की जो भी वैल्यू है वो लिख दी आपने, स्टेटमेंट की वैल्यू लिख कर फिर आपको कंक्लूजन में चेक करना है। इन केस, वैसे हम एक और एग्जांपल देखने वाले हैं अभी, इन केस यहाँ पे 50 होता और यहाँ पे देखो ए का 100 है, तो ये मेरा गलत हो जाता, बिकॉज 50 वाला 100 कभी स्पेंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे अभी 100 है, दैट मीन्स ये करेक्ट है। तो सेकेंड थर्ड फोर्थ इसका करेक्ट है। ओके, चलो सेकेंड क्वेश्चन। तो अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। स्टेटमेंट है हमारे पास, ऑल ए आर बी। ये बहुत इजी है, एक बार आप सीख गए ना कि कैसे आपको क्या स्टेप फर्स्ट है, क्या स्टेप सेकंड है, उसका एक्सपेंस कैसे लिखना है, तो बहुत इजी होगा आपके लिए सॉल्व करना। कंक्लूजन है फर्स्ट, सम ए आर बी, सम बी आर ए, सम नन सी आर बी, सम सी आर not b, and last is sum b r c। अब आप ये दो स्टेटमेंट को देख के प्लीज कंफ्यूज मत होना। अब इसमें थोड़ा सा इसका मॉडिफाइड वर्जन है, बस क्या किया गया है इसमें, है तो दो स्टेटमेंट, लेकिन जब आप कंक्लूजन देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कुछ कंक्लूजन जो है वो स्टेटमेंट वन के ऊपर बेस्ड है और कुछ कंक्लूजन जो है वो हमारे सेकंड पे बेस्ड है। तो हम पहले उसको फिगर आउट कर लेते हैं, कौन सा सिर्फ वन के लिए और कौन सा सेकंड के लिए। तो ए और बी यहाँ पे यूजर है, ए और बी, तो मतलब ये वाला हमारा फर्स्ट के लिए है, यहाँ पर भी ए और बी है, तो मतलब ये फर्स्ट दो है सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट से, और लास्ट के सी बी सी बी बी सी, तो यहाँ पर ये है सेकेंड हमारी स्टेटमेंट से। ठीक है, तो अब तो आप इसको सेपरेटली सॉल्व कर सकते हो, ऐसे समझो कि ये क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ ये वाले गिवन है, इसको हाइड कर दो, ये वाला हाइड कर दिया मैंने, सिर्फ ये स्टेटमेंट गिवन है स्टेटमेंट वन, और ये दो उसके कंक्लूजन है, तो आपको इनको देख के बताना है। सिमिलरली सेकंड के लिए ये तीनों है, इनको देख के बताना है, तो ये आपको जी सॉल्व करनी है। तो लेट्स सॉल्व। स्टेटमेंट वन कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है।
तो पहले हम स्टेटमेंट वन के लिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कोई नेगेटिव स्टेटमेंट दिख रही है? नहीं, कोई नेगेटिव नहीं है, मतलब दोनों करेक्ट हो सकते हैं। ये कैसे पता चलेगा हमें? इसकी एक्सपेंस से, इसके एक्सपेंस लिख लो। ऑल के लिए क्या होता है हमारे पास? 150। तो मतलब ए के लिए है 100, बी के लिए है 50। यहाँ पर देखो सम के लिए क्या होता है? 50-50। तो यहाँ पे ए के लिए भी 50 आएगा, बी के लिए भी 50 आएगा। सिमिलरली बी के लिए भी 50 आएगा, ए के लिए भी 50 आएगा। अब देखो यहाँ पे तो चारों वैल्यूज ही 50-50 है, और यहाँ पे 150, तो कोई रॉन्ग है ही नहीं, मतलब ये दोनों करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि जिसपे 50 है वो 50 स्पेंड कर सकता है, जिसपे 100 है वो तो 50 इजिली स्पेंड कर सकता है। तो दैट मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड कंक्लूजन हमारा करेक्ट है। ऑलराइट, नाउ अब सेकेंड वाली स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड कंक्लूजन देखते हैं हम। सेकेंड के लिए कैसी है? पहले तो साइन बताओ इसका, साइन कैसा है इसका? नेगेटिव। साइन कैसा है इसका? नेगेटिव। तो इसके कंक्लूजन भी कैसे होने चाहिए? नेगेटिव। यहाँ पे देखते हैं क्या थर्ड नेगेटिव है? यस, ये नेगेटिव है। क्या फोर्थ नेगेटिव है? यस, अगेन इट्स नेगेटिव। बट क्या फिफ्थ नेगेटिव है? नो। तो मतलब ये तो पहले ही आप गलत कर दीजिए। ओके, अब इसके हम वैल्यूज लिखते हैं। इसके एक्सपेंस क्या है? नन के लिए क्या होता है? 100-100। ये तो टिप्स पे होना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, टिप्स पे इसको लर्न कर लीजिए। नाउ 100, नन के लिए इट्स 100 एंड 100। ओके, तो मैंने आपको क्या सिखाया था? अगर किसी का एक्सपेंस 100-100 है तो वैल्यूज मैक्सिमम तो 100 जाती हैं, और 50 और 100 होती हैं। तो क्या 100 वाले 50 स्पेंड कर सकता है? इजिली कर सकते हैं। क्या 100 वाले 100 स्पेंड कर सकते हैं? वो भी इजिली कर सकते हैं। सो दैट मीन्स जो रिमेनिंग है वो दोनों करेक्ट होगा ही, आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि 100 से देखो ना, 100 से ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। तो अगर किसी का एक्सपेंस ही हमारे पास 100 गिवन है तो वो तो कुछ भी स्पेंड कर सकता है, करेक्ट नॉट? ऑलराइट, सो इसका आंसर क्या होगा? 1, 2, 3, 4 कंक्लूजन फॉलोज। आई होप आपको डायरेक्ट मेथड समझ आ गया। अभी हम इनडायरेक्ट देखेंगे, इनडायरेक्ट थोड़ा इसका एडवांस है। ये बहुत इजी था, लेकिन इससे आपको आई होप कि बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कैसे सॉल्व करना है। इन चीजों को ध्यान में रखना, बिकॉज इनडायरेक्ट के लिए ये बहुत काम आने वाला है, यही एक्चुअली काम आने वाला है। तो चलो लेट्स सी इनडायरेक्ट मेथड। सो इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में अब क्या होगा? सी डायरेक्ट में हमने क्या देखा था? एक स्टेटमेंट है और कंक्लूजन भी उसी स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड है। बट इनडायरेक्ट में कुछ डिफरेंट चीज होती है। क्या? दो स्टेटमेंट गिवन है, जैसे गिवन है ऑल ए आर बी, और दूसरी गिवन है नन बी आर सी। दो स्टेटमेंट गिवन है और मुझे कंक्लूजन में रिलेशन गिवन है ए और सी के बीच में। अब देख रहे हो दो अलग अलग में है, बट यहाँ पे क्या चीज आपको दिख रही है कि जो एक एंटिटी है विच इज बी इन दिस केस, ये कॉमन है दोनों में। बस यही हमारा यहाँ पे कीवर्ड है कि इस जो कॉमन एंटिटी है उसकी हेल्प से आपको ये वाली चीजें सॉल्व करनी है। ठीक है, ये एक्चुअली इनडायरेक्ट का फर्स्ट पार्ट है, इसमें दो पार्ट्स हैं, दोनों हम समझेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट समझते हैं। अब इसमें ध्यान रखने वाली क्या चीज है? वही पहले तो साइन देखना है। नहीं, एक्चुअली इसमें एक और ट्रिक है। पहली चीज आपको देखना है कॉमन टर्म, कॉमन टर्म की वैल्यू। अभी मैं बता दी हूं कैसे। कॉमन टर्म की वैल्यू अगर 50-50 है तो आगे देखना ही नहीं है आपने। लेकिन अगर वो है 50-100 या फिर 100-50 या फिर है 100-100 तो आपको देखना है आगे। तो ये क्या इसमें ध्यान रखने वाली चीज है? अगर कॉमन टर्म की वैल्यू 50-50 है तो मतलब सारे गलत होंगे, देखना ही नहीं है वो, मतलब जो भी ए और सी में रिलेशन होगा वो गलत ही होगा। अभी इसमें देखो क्या है, ऑल का क्या होता है? 150, होप यू रिमेंबर, 150। और नन का क्या होता है? 100-100 100-100। तो यहाँ पे कॉमन टर्म की वैल्यू का क्या आ रही है? 50-100 आ रही है। तो दैट मीन्स ये करेक्ट है, हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज होती है इसमें साइन देखना, दो स्टेटमेंट्स का साइन देखना। पढ़ा होगा आपने कि पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव आउटपुट का रिजल्ट।
पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव. नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव. एंड नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे ट्रिक है, इसका कोई भी नो सच डिफाइंड रिजल्ट, कोई भी डिफाइंड रिजल्ट नहीं होगा इसका, कोई रिजल्ट नहीं आ सकता इसमें. ठीक है, ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है आपने. पहली चीज क्या है? कॉमन टर्म सबसे पहले तो देखना है आपने कि अच्छा आपको स्टेटमेंट्स के बिना. उसके बाद अगर मैं कंक्लूजन में लिख दूं ए और बी में, तो वो हो जाएगा डायरेक्ट रिलेशन. मतलब एक स्टेटमेंट है और कंक्लूजन उसी स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड है. बट इन केस अगर मेरे को कंक्लूजन में ए और सी के बीच में रिलेशन गिवन है, तो वो किसका पार्ट है? वो है इनडायरेक्ट का पार्ट. किसका पार्ट है? वो इनडायरेक्ट का पार्ट. तो उसमें ये स्टेप्स फॉलो करने, सबसे पहले आपको देखना है जो कॉमन टर्म है उसकी वैल्यू क्या है. 50 100, उसकी वैल्यू क्या है? 50 100. सो 50 100 वैलिड है? यस इट्स वैलिड. सो दैट मीन्स वी विल प्रोसीड फर्दर. फिर देखना है आपको साइन. साइन में कैसे कैसे देखना है? पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं तो उसका आउटपुट आना चाहिए, मतलब उसका कंक्लूजन होना चाहिए पॉजिटिव. अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव है तो नेगेटिव, एंड नेगेटिव नेगेटिव है तो कोई उसका कंक्लूजन नहीं आएगा, कोई उसका रिजल्ट नहीं आएगा. ठीक है, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट. स्टेप्स वही है, अब इसमें एक स्टेप बस एड ऑन हो गया. स्टेप वन इज कॉमन टर्म की वैल्यू देखनी है, स्टेप टू इज साइन देखना है, एंड स्टेप थ्री इज वही एक्सपेंस देखना है. एक्सपेंस तो देखना ही आपने कुछ भी हो जाए. चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका. स्टेटमेंट है हमारे पास नन ए आर सी, और दूसरी स्टेटमेंट है नन सी आर डी. ठीक है, इसके कंक्लूजन है नन ए आर डी सम ए आर नॉट डी सम सी आर नॉट डी एंड सम ए आर नॉट सी. ठीक है, अब फर्स्ट स्टेटमेंट कैसी है? सबसे पहले देखो क्या ए और डी में कहीं पे रिलेशन है? यस yes. तो मतलब ये किसका पार्ट है? हमारा इनडायरेक्ट का, इनडायरेक्ट. और यहाँ पे क्या है? सी डी ए सी, सी डी ए सी, मतलब ये वाला हमारा बन रहा है सिर्फ सेकंड से और ये वाला बन रहा है फर्स्ट से. इसमें तीनों जितना अभी तक रहा है ना, तीनों इंक्लूडेड है. ओके तो ये स्टेटमेंट कैसी है? फर्स्ट स्टेटमेंट नेगेटिव, नेगेटिव. सेकंड स्टेटमेंट कैसी है? नेगेटिव. तो क्या फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन सही है? यहां पर देखो नेगेटिव नेगेटिव का क्या आता है? नो सच डिफाइंड रिजल्ट. दैट मीन्स ये दोनों ही गलत है. ऐसे मतलब इसको क्रॉस ही कर देना आपने. ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव अगर स्टेटमेंट आ गए तो कुछ नहीं चेक करना आपने, सिंपली देखना है नेगेटिव नेगेटिव है. दैट मीन्स जो इनके दोनों के बीच में रिलेशन होगा दैट वुड बी कंप्लीटली एंटायरली रॉन्ग. ऑलराइट, फर्स्ट और सेकंड हमारा हो गया रॉन्ग. अब सेकंड ये तो आप इजीली कर सकते हो जो हमने पढ़ा है. सी और डी में, सी और डी में यहाँ पे वैल्यू लिख लो पहले इसकी. नन ए, नन की होती है 100 100 और अगेन 100 100. तो नेगेटिव सेकंड स्टेटमेंट नेगेटिव है. यस इट्स नेगेटिव. और इसकी वैल्यू क्या होती है? 50 100. तो क्या ये करेक्ट होगा? 100 100 50 100. यस इज करेक्ट. और ये भी सिमिलरली ए और सी फर्स्ट के ऊपर बेस्ड है. फर्स्ट क्या है? नेगेटिव. तो ये भी क्या है? नेगेटिव. ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टेप फॉलो हो गया. सेकंड देखना है हमारा एक्सपेंस देखना है. 100 100 है, यहाँ पे क्या होता है? 50 100. ये भी करेक्ट है. ठीक है, समझ आया ना? बट अगर मैं यहाँ पे लगा देती ये चीज सम ए आर सी, अब बताओ ये क्या सही होता है गलत होता है?
ऑफ कोर्स रॉन्ग होता, बिकॉज यहाँ पे साइन क्या है, नेगेटिव, ये क्या है, स्टेटमेंट पॉजिटिव, तो कैसे सही हो सकते हैं? हमने क्या पढ़ा है, नेगेटिव का सिंगल स्टेटमेंट होता है डायरेक्ट के केस में, नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन इज ऑलवेज नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्टेटमेंट्स का कंक्लूजन इज ऑलवेज पॉजिटिव. हम इसका एक एग्जांपल और देखेंगे, बिकॉज अभी हमने सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव का केस देखा है, फर्दर हम देखेंगे कोई और एक अगेन सिनेरियो देखेंगे. सो आई होप इतना क्लियर है आपको जितना पढ़ाया है. चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो एक बार एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम. स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी सेकेंड स्टेटमेंट इज नन बी आर सी. कंक्लूजन गिवन है हमारे पास नन ए आर सी नन सी आर ए सम ए आर नॉट सी सम ए आर सी सम सी आर नॉट ए. ओके, सबसे पहले क्या चीज है, कॉमन टर्म देखो. कॉमन टर्म है हमारे पास बी और इसकी वैल्यू के वैल्यू देखो. ऑल में होता है 150, तो मतलब बी की वैल्यू 50 है, और नन में होता है 100, तो मतलब बी की वैल्यू 100. तो क्या क्या आ रहा है बी की, 50, 100 आ रही है. इज इट वैलिड और नॉट? यस इट्स वैलिड. चलो तो मतलब हमारा स्टेप वन फुलफिल हो गया. सेकंड होता है साइन देखना. साइन देखो, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव, तो रिजल्ट क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव का, नेगेटिव. तो अगर कोई भी आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट दिख रही है, और हाँ ये याद रखना है पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट किसमें, इन दोनों की कॉम्बिनेशन. बिकॉज क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि आपको डायरेक्ट रिलेशन भी गिवन हो, फिर डायरेक्ट में आप ये नहीं करोगे कि सारे पॉजिटिव कैंसिल कर दिए. नो, ये सिर्फ किसकी बात हो रही है कि पॉजिटिव को सबको क्रॉस कर देना है जहां पे ए और सी का रिलेशन है. यहाँ पे तो सब में ए और सी का रिलेशन है तो इट्स फाइन, बट कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें ए और सी का भी रिलेशन होगा, ए और बी का भी रिलेशन होगा. तो आपको क्या करना है, ए और सी के रिलेशन में जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स उसको क्रॉस कर देना है, बिकॉज हमारा कंक्लूजन नेगेटिव आना चाहिए. ऑल राइट, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट कौन सी दिख रही है, यही दिख रही है बस एक, तो ये तो क्रॉस हो गए. चलो अब थर्ड स्टेप इज इनका एक्सपेंस देखना. एक्सपेंस क्या है, ए का 100 और बी का क्या है 50. यहाँ पे क्या है, बी का 100 एंड सी का क्या है 50. तो बी को तो अभी देखना नहीं, बिकॉज वी हैव रिलेशन बिटवीन ए एंड सी. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 100, 100 है, दोनों में 100, 100 है, नन है ना, तो दोनों में 100, 100 है. तो ए तो चलो स्पेंड कर सकता है 100, क्या सी 100 स्पेंड कर सकता है? ओ सॉरी, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे भी 100 है इसकी वैल्यू, बिकॉज नन के लिए 100, 100 होता है. ओके, तो अब क्या सी 100 स्पेंड कर सकता है? यस, ये कर सकते हो, दैट मीन्स फर्स्ट इज करेक्ट. राइट, सेकेंड नन सी आर ए, वही चीज है 100, 100, दैट मीन्स ये भी करेक्ट है. थर्ड देखते हैं, सम नॉट नेगेटिव तो है ही, और इसकी वैल्यू क्या होती है 50, 100. तो क्या ए 50 स्पेंड कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज उसके पास तो 100 है, तो 50 इजिली स्पेंड कर सकता है, और 100 तो कर ही सकते हैं बिकॉज उसके पास 100 है, तो ये भी करेक्ट है. ये तो फॉल्स था ही फोर्थ वाला. लास्ट इज 50, 100. सेम केस, क्या सी 50 स्पेंड कर सकता है? यस, बिकॉज उसके पास 100 है तो वो कर सकता है स्पेंड. क्या ए 100 स्पेंड कर सकता है? ए के देखो वैल्यू क्या है, 100 है, तो वो 100 स्पेंड कर सकता है, दैट मीन्स ये भी राइट है. तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फिफ्थ फॉलोज. ऑलराइट, आई होप आपको इनडायरेक्ट का फर्स्ट मेथड क्लियर होगा. अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फर्स्ट मेथड. फर्स्ट मेथड डायरेक्ट में क्या था, डायरेक्ट में था एक स्टेटमेंट है, कंक्लूजन उसके ऊपर बेस्ड है,
और इनडायरेक्ट के फर्स्ट पार्ट में क्या है, दो स्टेटमेंट्स होंगी, दो में कुछ कॉमन होगा चीज एंड जो अनकॉमन है, जो कॉमन नहीं है उनमें कंक्लूजन गिवन होगा। ठीक है, क्या होगा, दो स्टेटमेंट्स होंगी उसमें कुछ चीज कॉमन होगी बट जो अनकॉमन है कंक्लूजन अनकॉमन के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, चलो सेकेंड पार्ट देखते हैं इनडायरेक्ट का। सो अब हम पढ़ने वाले हैं इनडायरेक्ट का सेकेंड टाइप। अब सेकेंड टाइप में क्या होता है, स्टेटमेंट्स लिखती हूँ मैं, ऑल ए आर सी, नन सी आर बी, ऑल डी आर बी। ठीक है, और ये आपकी स्टेटमेंट्स के बने हैं। कंक्लूजन में आपको ए और डी में रिलेशन गिवन है, इसमें रिलेशन गिवन है ए और डी में। अब आप वो स्टेटमेंट्स को उठाओ जिसमें ए और डी है, ये वाली और ये वाली, बट अब आप देख रहे हो कि इसमें कोई चीज कॉमन नहीं है। ए और डी में तो चलो रिलेशन में पूछा है, बट क्या सी और बी इक्वल है? नो, इट्स नॉट इक्वल। तो दैट मीन्स इसमें कोई चीज कॉमन नहीं है, देन हाउ टू सॉल्व इट। यही है सेकेंड टाइप। इसमें क्या है, चेन फॉलो हो रही है। चेन कैसे, देखो सेकेंड स्टेटमेंट में देखो, ये सी कॉमन है, ठीक है, तो यहां से ए और बी में रिलेशन आ जाएगा। फिर सेकेंड और थर्ड में बी कॉमन है, तो यहां से और डी में हम रिलेशन निकाल सकते हैं। समझ रहे हो, एक चेन फॉलो हो रही है। थ्री या थ्री से ज्यादा आपको इसमें स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, और उन स्टेटमेंट्स में जो आपको फाइंड करना है, जिसमें कंक्लूजन गिवन है, उन स्टेटमेंट्स में कुछ चीज कॉमन होगी नहीं, बट एक चेन फॉलो हो रही होगी। जैसे फर्स्ट और सेकेंड में कुछ चीज कॉमन, सेकेंड और थर्ड में कोई चीज कॉमन, थर्ड और फोर्थ में कोई चीज कॉमन, और फर्स्ट और फोर्थ में आपको रिलेशन बताना है। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें याद करने वाली है, वो हम देख लेते हैं क्या याद करना है इसमें। फर्स्ट थिंग इज, सपोज मैं थ्री स्टेटमेंट्स का एग्जांपल ले रही हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बिकॉज थ्री से ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सपोज फर्स्ट और सेकंड का मतलब ये दोनों को उठाना है सिर्फ, और इनका कुछ रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट आने का मतलब क्या है, देखो ये भी समझो। कॉमन टर्म में हमने क्या पढ़ा था कि अगर 50-50 होता है तो मतलब उनका कोई रिजल्ट नहीं है। तो इन केस अगर जो कॉमन टर्म है, फर्स्ट और सेकंड की बात हो रही है सिर्फ, फर्स्ट और सेकंड में अगर कोई कॉमन टर्म है और उनकी वैल्यू है 50-50, तो क्या हम फर्स्ट और सेकंड का कोई निकाल सकते हैं रिजल्ट? नहीं निकाल सकते। सो यहाँ पे ये चीज होती है वैलिड एंड इनवैलिड का, ये याद रखना है। कॉमन टर्म का 50-50 नहीं होना चाहिए, 50-50 नहीं होना चाहिए, या फिर दोनों नेगेटिव नहीं होने चाहिए। ये दोनों सिनेरियो होते हैं हमारा इनवैलिड के, या तो 50-50 या तो नेगेटिव नेगेटिव स्टेटमेंट। अगर इसके अलावा और कोई भी केस है तो दैट मीन्स फर्स्ट और सेकेंड वैलिड है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही सिमिलरली अगर सेकेंड और थर्ड वैलिड है तो दैट मीन्स 1-3 भी वैलिड होगा। गेटिंग इट? अगर फर्स्ट सेकेंड वैलिड है, सेकेंड थर्ड वैलिड है, दैट मीन्स फर्स्ट एंड थर्ड वैलिड होगा ही। ये स्टेप वन है, किसका, इनडायरेक्ट का सेकेंड पार्ट, ये स्टेप वन है। ओके, अब किस केस में नहीं वैलिड होगा? सपोज 1-2-3 है, 1-2 तो है वैलिड बट सेकेंड थर्ड वैलिड नहीं है, तो क्या 1-2-3 वैलिड होगा? नहीं, वो वैलिड नहीं होगा। और अगर 1-2 वैलिड नहीं है, 2-3 वैलिड है, तो क्या 1-3 वैलिड होगा? नहीं, अगेन इट वोंट बी वैलिड। और लास्ट केसेस, अगर दोनों ही वैलिड नहीं है फिर तो कैसे ही हो सकता है, तो तब भी वैलिड नहीं होगा। तो फर्स्ट टू थर्ड कनेक्शन, फर्स्ट टू थर्ड रिलेशन किसमें वैलिड होगा? जब फर्स्ट और सेकेंड में भी कोई वैलिड रिलेशन है एंड सेकेंड एंड थर्ड में भी कोई वैलिड रिलेशन है। ठीक है, इतना समझ आया। अब इसका सेकेंड स्टेप होता है वही चीज, साइन देखना। साइन इसमें सिर्फ दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगर तीनों स्टेटमेंट में से एक भी नेगेटिव है, अगर तीनों स्टेटमेंट में से एक भी नेगेटिव है, जैसे इस केस में एक नेगेटिव है, अगर एक भी नेगेटिव है तो आपका आउटपुट जो आना चाहिए, जो कंक्लूजन आना चाहिए, वो नेगेटिव होगा। यू ऑल मे राइट इट डाउन ऑन योर नोटबुक्स। अगर तीनों में से एक भी नेगेटिव है
अगर एक भी नेगेटिव है तो कंक्लूजन हमारा क्या होगा, नेगेटिव। बट अगर तीनों ही पॉजिटिव हैं तो आउटपुट क्या होगा, पॉजिटिव। दो चीज याद रख ली, अगर एक भी नेगेटिव है तो नेगेटिव, अगर तीनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव, बट अगर दो कोई भी नेगेटिव हो गई, दो कोई भी नेगेटिव हो गई, फिर उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। गॉट इट? बिकॉज अगर दो नेगेटिव हो गई तो फिर उनका ही रिजल्ट आपस में नहीं आएगा, तो फिर यही वाला केस बन जाएगा इनमें से कोई। गेटिंग इट? ये दो साइन के लिए क्या दोनों चीजें याद रखनी, फर्स्ट स्टेप था हमारा ये वैलिडिटी चेक करना, सेकंड स्टेप था साइन चेक करना। एक भी नेगेटिव है तो नेगेटिव आना चाहिए फर्स्ट और थर्ड का, अगर तीनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट और थर्ड का पॉजिटिव आना चाहिए। ऑलराइट, और थर्ड तो वही है एक्सपेंस चेक करना। आई होप यू आर गेटिंग इट। एक इसको फटाफट से एक एग्जांपल से देख लेते हैं, उधर आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। स्टेटमेंट है हमारे पास, ऑल ए आर बी, नन वी आर सी, ऑल डी आर सी। ठीक है, इसके कंक्लूजन्स हैं, नन डी आर ए, ऑल ए आर डी, सम डी आर नॉट ए, एंड लास्ट इज नन ए आर डी। अब फटाफट से इसको सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व इट, ट्राई इट, एंड देन गेट बैक टू द वीडियो अगेन। अगर यू ट्राइड इट, लेट्स चेक। क्या देखना है, सबसे पहली चीज की वैलिडिटी देखनी है। फर्स्ट एंड सेकंड का रिजल्ट बन सकता है, बिकॉज नेगेटिव नहीं है दोनों, और इसका एक बार वैल्यूज भी देख लेते हैं, 150, 100, 100, 100। ठीक है, तो वैलिडिटी के लिए क्या देखना है, फटाफट से देखो। फर्स्ट और सेकंड में कॉमन टर्म की वैल्यू, बीबी की वैल्यू क्या है, 50, 100। ठीक है, तो मतलब ये वैलिड है, और इसमें क्या दोनों नेगेटिव है, नहीं, तो मतलब फर्स्ट और सेकंड इज वैलिड। अब सेकंड एंड थर्ड में कॉमन टर्म है 150, ये वाली चीज तो वैलिड है। क्या दोनों नेगेटिव है, नहीं, तो दैट मीन्स ये वाला केस फॉलो हो रहा है, 1 और 3 का रिलेशन आ सकते हैं। अब सेकंड टर्म है, सेकंड चीज होती है साइन। साइन देखो फटाफट से, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। एक भी नेगेटिव है तो आंसर आना चाहिए नेगेटिव, ए और डी में बात हो रही है। तो अगर ए और डी में, सब ए और डी में है, कोई भी पॉजिटिव दिख रहा है आपको तो उसको पहले ही क्रॉस कर दो। कोई दिख रहा है पॉजिटिव, यस ये वाला दिख रहा है, तो मतलब इसको क्रॉस कर दिया। अब इनको चेक करते हैं, ये किससे चेक करना, एक्सपेंस से ही चेक करेंगे। ए और डी में क्या एक्सपेंस है, 100, 100 है, तो हर जगह 100। नन में क्या होता है, 100, 100। सम नॉट में होता है 50, 100, और नन में क्या होता है, 100, 100। तो मतलब ये तीनों करेक्ट होंगे, बिकॉज क्वेश्चन में ही 100, 100 एक्सपेंस है, तो 100 हो कंक्लूजन में, 50 हो, दोनों करेक्ट होने वाले हैं। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई। बस आपको इन सब मेथड्स में क्या याद रखना है, रूल्स। डायरेक्ट में क्या था कि पहले हमें साइन देखना है, फिर हमें एक्सपेंस देखना है, बट इनडायरेक्ट में एक और चीज आ गई थी, पहले हमें कॉमन टर्म देखनी है, फिर हमें साइन देखना है, फिर हमें एक्सपेंस देखना है। बस ये चीज आपको याद होना चाहिए, फिर तो वर्बली, ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप वर्बली सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया हो, आपको 50, 150 रूल समझ आ गया इजीली। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको कुछ समझ आया इनसे, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू। This is the right time to prepare HCS 2022. How to start HCS preparation from zero level and hear how to prepare for HCS. Join Kushmanda, yes, HCS Academy for success. And every student in Haryana always wanted to become an HCS officer. We will help you achieve your dreams, and you will now get a platform here in which you can get any kind of advice, tips, assistance, help, support and guidance. You can take any kind of help for HCS preparation. So download Kushmanda IAS HCS
Academy app and visit our website kushmanda.com and call our helpline number 8607570992. I'm Kushmanda, IAS HCS Academy for success.